हिंगनघाट टू एंकर। आज सोमवार 3 जनवरी को हिंगनघाट वर्धा मार्ग पर वेला के संजीवनी कॉन्वेंट के सामने हिंगनघाट से तेज गति से वर्धा की ओर जा रहे कार क्रमांक MH32AH9553 ने एक दुचाकी को कट मारी। इसमें दो दुचाकी आमने सामने टकरा गई, जिसमें कार अनियंत्रित होकर रोड के साइड में खड़े विद्युत खंभे को टक्कर मारकर पलट गई। इस विचित्र अपघात में 3 दुचाकीवर पर सवार 3 दुचाकी सवार गंभीर जख्मी हुए, तो वहीं 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कार में मौजूद होने से कार में बैठे 6 व्यक्तियों के अतिरिक्त 3 जन गंभीर जख्मी हुए हैं। इस समय नागरिकों ने अपघात स्थल पर दौड़कर सभी जख्मियों को उपचार के लिए रुग्णालय में दाखिल किया, लेकिन इस दुर्घटना में जख्मी हुए लोगों के नाम अभी तक पता नहीं चल सके हैं। हिंगनघाट पुलिस थाना के पुलिस उपनिरीक्षक गिरिधर पेंदोर, पुलिस कर्मचारी समीर कामले, भूषण भोया, ट्रैफिक विभाग के अजर खान, नितिन राजपूत, अनिल आड़े आदि सह पुलिस कर्मचारियों ने घटना स्थल जाके जख्मियों को इलाज के लिए भेजा। हिंगनघाट पुलिस ने गुनाह दाखिल करके पंचनामा किया। आगे की जांच हिंगनघाट पुलिस कर रही है। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।